ये अच्छा 3 दिन हो गया है बंदे ने, इनको कम से कम मैंने फील्ड में थोड़ी से थोड़ी 100 पशु दिखाए हैं। थनों का गैप बहुत अच्छा लिया, भगवान करे भाई और भी अच्छी निकल के आए जो भाई ना उम्मीद। ठीक है, कोई उसमें 1.25 लाख की भी आई, लाख वाली भी आई, लाख की भी आई। अच्छा फौजी साहब, कहीं भी अदर स्टेट का कौन सी ऑल इंडिया में कहीं से है जी, ग्राहक अपन है, ग्राहक तो मतबल है, दुआ के भेजोगे उधर से लोगे तो नहीं, इंसानियत है रहने में। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। नाम भी मतलब गिफ्ट वाला काम हो गया, दिवाली बन गए तोहफा, तो भी गरबा भी अच्छा लगे। तो रस्ते में कौन सा डोज देते हो भाई, वो तकलीफ नहीं रहे, बुखार में नहीं आए, ये नहीं? साथी ने बताया बोले भाई तेने 20 केजी दूध बताया था, तेने 20 केजी दूध दे के मेरा चेप दी, बोले मैं आशे तो बोले भाई तू 22 बता के चेप दे। अच्छा जब बार कहीं कसम खाएगा था 22 लीटर दिया है, 22 लीटर। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज की वीडियो भाई जींद डिस्ट्रिक्ट और गांव भाई डोड़ा गांव से लेकर के आए हैं और काफी अच्छी वीडियो आप लोगों को काफी पसंद भी आएगी। दोस्तों आज पहली बार एक आप लोगों को बता दूं, एक भाई के पास पहुंचे हैं जो अच्छे अच्छे पशु दिलाते हैं और कैसे दिलाते हैं ये पूरी डिटेल भी वहाँ आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा देंगे। और जो पंजाब से जो साथी आए हुए हैं, भाई आए हैं, उन्होंने भैंसे खरीदी हैं और कैसे कैसे किस किस दूध की है ये सारी डिटेल वीडियो के द्वारा दी भी जाएगी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी भाई साहब अपना? सुबेक सिंह। सुबेक सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब। पंजाब में कहाँ जी? अमृतसर। अमृतसर कौन सा पिंड है जी? बालपुरिया। बालपुरिया, तो इधर कैसे पहुंचना हुआ जी? भाई से जान पहचान थी पहले। जान पहचान आते थे पहले भी जी। अच्छा, तो कितने पशु खरीदे हैं आज? 5 पशु। 5 पशु खरीदे हैं, तो भाई ने 5 पशु खरीदे हैं और अच्छे भाव में खरीदे हैं और आगे भी भाई का जो सेल परचेज का काम है जी, तो बिक्री भी करते रहते हैं, बहुत बढ़िया है। तो इन भाई से ली हैं जी। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी भाई अपना? सीता जी। सीता। सीता। सीता डोड़ा। सीता डोड़ा, सही नाम है सतीश उर्फ सीता। सतीश उर्फ सीता। अच्छा, सीता नाम से जाने गांव में, गुआंड में, कहीं भी एरिया में सीता के नाम से जाने। सीता के नाम से, तो बहुत बहुत बढ़िया भाई। तो आप क्या काम अपना? फौजी साहब अपना काम है भैंस दिलवाना, अदर स्टेट का कहीं का भी आओ। अच्छा, हाँ भैंस दिलवाना, अपने पास भैंस मिलेंगी नहीं, बोलेंगे हाँ। भाई वीडियो में भैंस दे दे, मैं तो घूम फिर के कच्चे किलो से पक्के किलो से किसान के घर से दिलाता। अच्छा, इस भाई ने बताया भाई कि सभी को जो भी साथी आता है इनके नंबर से संपर्क कर सकता है और अच्छा अच्छा पशुधन हाँ। भाइयों को दिखाते हैं, जो सेलेक्ट आता है उनसे ले लेते हैं, कैसी क्या फीस है वो सारी डिटेल में दूंगा। तो कितने पशु डेली दिलवा देते हो? डेली तो सब ग्राहक पे है भी डिपेंड, ये 3 दिन हो गया है बंदे ने, इनको हाँ। कम से कम मैंने फील्ड में थोड़ी से थोड़ी 100 पशु दिखाए हैं। 100 पशु दिखाई? दिखाए हैं। और 100 पशु में से कितने सेलेक्ट करे? 5। तो 5, ये तो रेंज, ये तो एक बात है, 3 दिन 4 दिन फिर घूमता ही रहा है। घूमते रहा। तो क्या 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 लेता है एक भैंस के भाई? 2000 रुपये। 2000 रुपये आपसे? 2000 रुपये एक भैंस, कोई दुआई तो 2000 रुपये होगी और नहीं बनी तो 1 रुपया नहीं। नहीं, 2000 में मित्र मेरी जहाज तक जैन है वो 2000 अलग से, मतलब 1000 रुपये वो 2000 में ही देता हूँ मैं। अच्छा, जो आगे दलाल लेना पड़ता है, मान लो मेरे गाँव से 76 है, दलाल उठा लिया उसको मैं 1000 रुपये उन्हीं 2000 से देता हूँ। तो आपका तो 1000 ही बचे? 1000 ही, जहाँ मुझे सिद्धि खुलती है वो 2000 बच जाते, नहीं 1000 बचते। तो सतीश भाई के आपने विचार सुने होंगे भाई, 2000 रुपये लेते हैं और जो भी पशुधन होता है दिलाते हैं और 2000 में से भी कोई मतलब इनकी जानकारी होती है उधर तक अगर नहीं मिलते तो और किसी दलाल के पास फोन करते हैं भाई हमारे को ब्याज दिलाओ कोई, तो फिर 1000 रुपये वो भी ले लेता है, 1000 रुपये भाई को। तो इस तरह का भाई व्यापार होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, भाई अपने खुट्टे पे नहीं रखते क्योंकि सभी का अलग अलग जुगाड़बाजी होती है भाई, इतना पशुधन हो सकता है कोई खरीद बेच कर नहीं कर सकता हो, लेकिन भाई को दिलाना भी एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छा पशुधन घूमने फिरने से मिल जाए। जैसे अपने साथी पंजाब से आए हुए हैं तो उनको तो किसी का एड्रेस का पता या किसी साथी का या भैंस का पता ही नहीं होता, तो नए होते हैं, अनजान होते हैं। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, अपना कौन सा क्या नाम है जी भाई साहब? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, वही गांव है, एक ही गांव। तो भाई ने पशुधन दिलाया, आपने संतुष्ट हो पशुधन से? बढ़िया दुआ है, बढ़िया दिलाया। कोई प्रेशर नहीं था आपका? ना ना, कोई प्रेशर नहीं है, अपना दिल ठोक है, कोई प्रेशर नहीं है। तो अच्छा पशुधन है, तो कितने दिन हो गए? 2 दिन 3 दिन से इधर ही हो? 3 दिन हो गया हम। 3 दिन से भाई के पास रुके हुए थे? हाँ, इधर ही। खाना खुना रोटी रोटी बढ़िया बढ़िया जी सर, रहने का भी खाने का भी इधर का ही सारा कुछ इसका भाई का ही है। अच्छा, बढ़िया है सर। तो सतीश भाई आपने 6 भैंस दिलाई है, बहुत बढ़िया। जो अपना घर बनेगी चाहे नून गले रोटी खाए अपना परिवार, वही बंदा नून के साथ
मीठा के साथ खाओगे जो बंदा बाहर का मीठा के साथ खाएगा। देखो भाई बढ़िया बात यही होती है कि सबसे बड़ी बात बताते हैं अनाज सब एक होता है और सबसे बड़ी जो इज्जत और भाव के साथ व्यवहार होता है उसी से आदमी का पेट भर जाता है, उसी से संतुष्ट हो जाता है। चाहे आप सूखी रोटी दिवाली वो महत्व नहीं रखती, लेकिन कोई भी साथी बार का आता तो उसका सादर सत्कार सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। आज की वीडियो में जो इन भाई आना दिलाई वो दिखाएंगे। मेरे पास बाखड़ी भैंस लेके आया था, वो ब्याह तैयारी एक अच्छा एक अपने गौ माता है अच्छा, वो 20-25 दिन आने के रह रहे वो दिखाएंगे, वो भी सेल के लिए, वो भी सेल करेंगे, सेल के लिए। वो भाई के पास है, खुद जो भी साथी खरीदना चाहता है खरीद भी सकता है, और भी काफी डिटेल देंगे। तो उससे पहले मैं एक एक पशुधन दिखाता हूँ जो भाई ने खरीदा है और कैसे है। तो ये सतीश भाई आपका पशुधन है? हाँ भोजा भी मेरा पशुधन है। कौन से ब्याह का है ये? पहला है भाई। अच्छा पहला प्रणाली पास हम तो घर की ब्याह हुई है या ब्याहगी? ना ब्याहगी, 15 तारीख का ब्याह है। 15 तारीख का ब्याह है। हाँ यहाँ पे लेके आए थे, 3 महीने ब्याण के रह रहे थे इसके, जब 3 महीने ब्याण के रह रहे थे जब जब लेके आए थे। 15 तारीख में इसका ब्याज पूरा हो जाएगा। तो ये बिक्री के लिए है? हाँ बिक्री कराने। कितने दांतों में है सतीश भाई? 4 दांत में भैया, 4 दांत में है। तो भी अच्छी उम्मीद है निखरने की? हाँ घनी बढ़िया उम्मीद है भाई। इसकी माँ का रिकॉर्ड सारे नुगा पे तो तसल्ली पे करके 25-26 का होता है। अपना दिन लगी नहीं कि मैं शायद जी पशु ने लिया है, कच्ची लिया है बिल्कुल, 3 महीने कच्ची। अभी कितने दिन रहेगी? क्या तारीख का ब्याह बताया? 15 तारीख का। 15 यानी के 10-12 दिन बाकी, 10-12 दिन अभी बाकी है। और ऊपर लेगी वो बात ना, वो तो एक बार खोल के चला के दिखाए भाई ना, कटी ना वो कौन सा आप भाई, वो कौन ना ना। तो ये देखे तेल लग भी ला रखा सरसों का सिंगा का, बिल्कुल छोटे छोटे की है। और आप लोगों को दिखा दूं भाई, 4 दांतों में भाई ने बताया है ब्याने का। अभी 15 तारीख का इसका ब्याह पड़ेगा, यानी कि आज से 12 दिन बाकी भी हैं। हाँ, तो भाई एक बार दिखाएं। तो ये देखें भाई, अभी से जो अडर का साइज बना है जोटी ने, थनों का गैप देखें तो एक एक बलात का थन है जोटी ने लिया है। दांत में मेरी आस है 18 किलो दूध देगी, 18 किलो फर्स्ट टाइम देगी। तो इतना देने के बाद तो बहुत है भाई। ज्ञापन को बताओगे भाई? अगला नु था 2000 रुपये ले गया था, टिक्का की ऐड दिया था 2000 टिक्के के ले गया। यानी कि भाई मेरे ध्यान वही फिर अपनी वीडियो में बात आती है, 2000 रुपये इसके लेते हैं। यानी कि हरियाणा में कोई भी ऐसा सीमन नहीं है जो 1000-2000 का भाई बिकता हो। चाहे कोई भी चैंपियन बुल हो, कोई भी फेमस बुल हो, किसी का भी। आप लोगों को मेरे किसान साथी युवा साथियों को अपने प्रवीण मोरा फार्म चैनल के द्वारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, किसी भी बुल का मतलब जो चैंपियन है उसका भी 500 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन 2000 रुपये किस चीज के लेते हैं मेरे को पता नहीं चलता, ये बात समझ में नहीं आती। और किसानों को सटरा भी नहीं देते हैं कि ताकि पूछ भी सके भाई ये सटरा कौन से सीमन का भैया, ऐसा 2000 वाला या पता नहीं वो चार को जन्म देगा या पता नहीं बनेगा, ऐसा क्या है 2000 रुपये लिए। लेकिन चलो कभी आगे फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसका भाई सेल के लिए है, तो सतीश इसका मोल बताए सबसे पहले। रेट ईव आज का है, मतलब आज 13 तारीख का है, देख 15 दिन जोटी आपकी है। चाहे देखो 5 कहेगा ना दर्शकों को, मैं तो 5 लाख की कह दूंगा भाई, 5 लाख की मांगने समझ गए। लेकिन बिक्री करनी है तो आप ये बताओ, अगर जा आपके अगर बिक्री करनी है तो, नहीं तो ये कहो एक छोटी अपन इस पे किसी बंदा ने बना के श्री श्याम डायरी के नाम से। अच्छा परसों उसके फोन आने लग रहे हैं, छोटी क्लब गेड़ी थी, मैंने उसमें मोल मांगा था 3 लाख। कोई बंदा बोल रहा है फोन पर, चाहे फ्रॉड हो चाहे कुछ हो, कोई ले कोई 2.65 कोई 2.5, किसी ने भी मतलब ले ये नहीं बोला। मैं ये भाव लगने लग रहे मेरा काम होता है भाई, जो आप दिखा रहे हो उसको दिखाना। हाँ। वो बात अलग है, लेकिन आप आज का मोल है 3,25,000 रुपये। 3,25,000 है। मैं तो ये कहूंगा जमींदार आदमी, तो देसी आदमी है दूसरा, अगर अगर तेरी 3 लाख में बिकती है ना, 270 का बोल रहा है। हाँ। लगे हैं लगे, तो मैं ये कहूंगा भाई 270 की दे दे, 1,000-1,100 भी सम्मानित करके जाऊंगा। नु बता दिया आज बिक गई मेरी, ठीक है ठीक है, मैं बताऊं ठीक है, मैं वीडियो निकलवाऊंगा जमा, मैं तेरे को नुकसान करके रहा नहीं, ना ना ना, लेकिन मोल है ना आटा नमक अच्छा होता है। ईव तो मौका पता यूं है भाई रेट, चलो ठीक है। तो बैठने के बाद घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा बिल्कुल, बढ़ना में भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है 5-10 हजार रुपये। अच्छा लाखा में बढ़ेगा, लाखा में बढ़ेगा। हाँ। अगर 18-20 केजी दूध कर देती है, मैं ये कहता हूँ फिर तो 3 लाख रुपए आप कह रहे हो ना, तो और भी ज्यादा मांग लेना वो भी चल जाएगा। 18 की मेरी उम्मीद मना जमा की माँ देख रही तो भाई बगैर ब्याई है ना जाइए। हाँ। या 10 केजी पर रहेगी तो फिर वो तो अगला का है,
मतलब ज्ञापन ले जाएगा जो यू रेट है ब्याह पाछा थन फोड़ के ले जाएगा वो खींच खाली करके ले जाएगा अलग रेट होगा। चलो आपका नंबर बता दे तो 93 है पूरा 517565 93 पूरा 517565 565 और कोई बंदा ईशे पे जरूरी को नहीं आना और ईशे पर की इस तरह की दुआ है दुआ घूम फिर के भाई दोनों ऑफर है भाई के पास है अगर जाए भाई यहाँ पर तो इसके घर की है पसंद होती इसके लिए आ जाना नहीं तो भाई के पास एक तसली बात आने का है ना किराया भाड़ा ये नहीं है तुम्हारे को पछता होगा भाई को घूम फिर के भी दिखा देंगे जैसे 100 किलोमीटर का एरिया आप लोगों को 100 प्यासे दिखाएं भाई 100 किलोमीटर और आपने 6 प्यासे पसंद भी आई तो इसका मतलब हम कह तो सकते हैं भाई भाई का ये प्यास पसंद नहीं आई तो 100 प्यासों में आपने जैसे 6 पसंद करी तो ऐसे घुमा के भी दिखा देगा सब घुमाया 10-15 पिंड घुमाया हमको दिखा तो और कौन सी प्यास है उसको भी लेके आए मैं इतने भाई से बात करता हूँ भाई और एक बार फिर कवर करके दिखा दे भाई। वैसे जोटी का देख भाई कच्ची जोटी है काफी थनों का गैप बहुत अच्छा लिया भगवान करे भाई और भी अच्छी निकल के आए जो भाई ने उम्मीद है उससे अच्छा दूध निकाले तो हम भी किसान के हित में होते हैं कोई उगार नहीं है क्योंकि जो 3-3 लाख की 5-5 लाख रुपए की ब्याज खरीदता उसके पास पैसे की कमी नहीं होती लेकिन ये आम किसान है जमींदार आदमी है हम उसके साथ खड़े हैं उसका पशुधन बिकता तो हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं है लेकिन जो मोल भाव है भाई ने बताया आप लोगों को हमने क्लियर कर दिया देनी कितनी लेनी कितनी हम कभी बीच में नहीं पड़ते आप लोगों ने भाई उसके बाद एक और पशुधन है जो भाई ने जो अपना घर वो तो गौ माता है तो ये जो पंजाब के साथियों ने खरीदी है वो पशुधन दिखाते हैं भाई कौन सा पशुधन खरीदा है और कैसे है ये देखते हैं तीसरा ब्यांत में फौजी साहब एक और इनकी पंजाब वाले भाई आगी दो टाइम तोल के कांडा ले रहे हैं गल्ला है इसमें ना तो मेरा कुछ अरे दो टाइम दूध निकाल लिया तोल लिया हिंदी अच्छा अच्छा हाँ दो टाइम दार निकाल के तोल के जी ले देखो भाई सभी साथियों का मित्रों का आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बता देता हूँ जो साथी आए हुए हैं उन्होंने 2 टाइम ब्यास का दूध चेक कराया उसके बाद संतुष्टि करी फिर लेते हैं उधर पूछने के बाद ये भी किसी हाँ, चाहिए 10 उदाहरण नहीं देते हाँ यानी 14 लीटर है संतुष्टि करके ले ली कई साथी कहते हैं हम उससे ब्यास ली थी इतना दूध बताया था इतने पर रहेगी किसी के बताने पे मत चलो मैं ये कहता हूँ वीडियो के द्वारा अपने आप खुद संतुष्टि करो जैसे भाइयों ने संतुष्टि करी उसके बाद आपका लक्ष्य क्या हो सकता है ये कम करे उसके बाद ज्यादा करे कितना दूध देख के लिया भाई 15 केजी दूध 2 टाइम से अलग होया अच्छा जो आप जहाँ से खरीदी उसने कितना दूध बताया था इतना ही बताया था इतने 15 ही बताया था तो 15 ही निकली तो बहुत बढ़िया भाई 7 दिन की ब्याई में है 7 दिन की ब्याई के 15 18-20 किलो दूध की है हाँ जमा आराम था देखिए खनों का देखो भाई काफी अच्छा अडर भी जो जोटी ने बनाया लेकिन अभी मैं दूध भी जमा 8 बजे की लिखड़ी हुई दार है सुबह 8 बजे दूध निकले रहा और अभी कितने बज गए 1 बज गया होगा 1:30 बज गया भाई और यानी के 8 बजे की निकली हुई अभी पूरी तरह शाम को 6 बजे पता चले 8 बजे ही 7:30 की निकली हुई थी हाँ तो यानी के 8 बजे ही दूध निकले जब तैयार होती तो अभी समझ में नहीं आएगी ले जाएं भाई तो काफी अच्छे अडर की दूध की कह सकते हैं क्योंकि अगर 7-8 दिन की ब्याई के 15 किलो दूध होता तो बहुत हो जाता है और दूध की उम्मीद भी अच्छी करते हैं अभी मेला चले भी नहीं है जी जी नहीं अजय नहीं अच्छा तो सभी व्यासियों का आपने ऐसे 2 टाइम दूध निकाला सभी हाँ जब भी तो इतना टाइम भी लग गया 3-4 दिन तो मेरे साथी मेरे पशुपालक साथी आप लोगों को भी वीडियो के द्वारा यही सीखने की बात है भाइयों से कि जो भी पशु खरीदने जाते हो तो उसका आपने अच्छी तरह 2 टाइम दूध देख करके निकालो लेके जाओ जल्दबाजी में मत करो ऑनलाइन खरीदने की कोशिश मत करो क्यों जी ठीक है जी ठीक हाँ ऑनलाइन ना खरीदते ये देखें ये और देखें भाई गल खड़े कच्चा किला पर तो दुआ मनी मैं खीस में धार मार गया व्यापारी की होगी खीस की भी धार 2 बार मरवाई है सवेरे भी शाम में भी सवेरे भी शाम खीस भी अपना हाथ 2 बार कटवाया भाई वाह जी वाह जी चलो लेके जाएंगे तो ये सतीश भाई का बहुत अच्छी बात है भाई अच्छा पशुधन दिलाते हैं घूम फिर करके 2000 रुपए साथ में भाई एक ब्याज के ऊपर लेते हैं कोई बात नहीं भाई उनकी मेहनत भी है घूमते फिरते हैं और ये कच्ची ब्याई है भाई ये भी कच्ची हाँ यार रात की ब्याई भाई रात की ब्याई अच्छा थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ रखा था जमा इनका शामी भी आई थी ठीक है तो आप भाई जो युवा साथी हैं पशुपालक हैं उनको आप दूर से आते हैं और भी भाई लेने आते हैं ऐसे उनको क्या शिक्षा दोगे क्या बताना चाहोगे उनको आज हरियाणा में आपने क्या सीखा उनको बोलेंगे अच्छी भैंस ले अच्छा और नाप तोल के ले नाप तोल के उसके बाद कोई शिकायत नहीं कोई शिकायत नहीं ठीक है ये बात सही है और आपने कितने दिन ले जाए भाई दूसरा लाइन से आपने कितने दिन हो गए ऐसे लेते हुए 3-4 दिन हो गए नहीं 3-4 दिन नहीं आपने कितने वैसे साल हो गए जो हरियाणा में ऐसे हरियाणा में तो 10 साल हो गए 10 साल हो गए ऐसे
तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, काफी व्यापारियों के पास पहुंचे होंगे, क्या महसूस करें भाई, धोखाधड़ी होती है या कैसे? नहीं, धोखाधड़ी नहीं है जी, नहीं होती। अगर आप बिल्कुल बेवकूफ बनोगे तो होगी भाई। हाँ, अगर बैठे बैठे उधर से लोगे तो नहीं, इंसानियत है रहने में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जो भाई इतना अच्छी बातें बताई, और क्या सावधानी रखनी चाहिए पशु खरीदते समय? पशु खरीदते समय तो वही आदमी जानेगा ना जो धोखाधड़ी से बचेगा, नॉलेज होनी चाहिए जी। नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल। नॉलेज बगैर कुछ नहीं है, यानी कि पढ़ाई पढ़ते भी है ना तो पढ़ाई आएगी जब ही पास होगा, यानी पशुधन भी ऐसा ही एक पढ़ाई है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकोगे जब ही अच्छा पशुधन खरीदोगे। जी जी जी, यही बात है। अगर पशु के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप खरीदोगे? ये एक और पशुधन, ये भी आपने खरीदा है जी? ये कौन से ब्यात का है? ये पहला ब्यात का, पहले ब्यात का। तो चार दांत है फौजी साहब, दो से चार दाते हैं हर की है। तो कोई रेट भी बताओगे हमारे को कि नहीं? फिर बाद में बताओ, बाद में बता देंगे। अच्छा, बता देंगे। ठीक है ठीक है। कोई उसमें 1,25,000 की भी आ ली, लाख वाली भी आ ली, लाख की भी आ ली। अच्छा, हाईएस्ट कितने की ली है आपने? हाईएस्ट 2,00,000 की भी ली है जी। 2,00,000 की भी ली जी। ठीक है ठीक है। नहीं, ये जो 6-7 बैल दिखाई, पहले ली ये देखे भाई, फर्स्ट टाइमर जो टी है, कितने अच्छे थनों का आर्डर साइज लिया, बहुत अच्छा। कितना दूध है भाई मुक्के पे इसके? इसमें 9 लीटर है भाई, 2 टेम तोली, कंडे का तोल, काटे का तोल का 9 केजी जी, 4 दिन की, 4 दिन की बैग है, फर्स्ट टाइमर जो टी का 4 दिन की बैग है, 9 केजी दूध मेरे दोस्तों, बहुत हो जाता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं अगर 14-15 केजी दूध अगर चली जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं जाएगी जी, जाएगी। तो ये लगभग डबल रेट में हो जाएगी जैसे जैसे दूध बढ़ाएगी। किन रेटों में ली है मुझे पता नहीं भाई का, बता सकोगे भाई कुछ? अच्छे भाव में ली, अच्छे भाव में ली। ठीक है ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा हर चीज का पड़ता होता है, भाई ने भी बिक्री करनी होती है, ली भी है, तो अलग अलग कोई बात होती है, क्यों जी? जी ठीक है। तो इनका डाइट प्लान अभी रस्ते का, आप क्या सफर क्या इनको लेकर के जाते हो तो क्या? अभी तो 10 घंटे लगेंगे जी जाने में, तो उधर तो दूध से बिल्कुल सूख जाती होंगी एक बार तो? हाँ जी, एक बार सूख जाती है। अच्छा, 12-10 दिन बाद, 15 दिन बाद चलती? 10-15 दिन बाद। 10 दिन लगेगा सर, पूरा पूरा 10 दिन बाद। तो जाते ही आपने देखा होगा एक्सपीरियंस हरियाणा से काफी, 10 साल हो गए ले जाते जी। कितना दूध कम कर जाती है? वो तो आ जाती है 5-6 किलो पर भी, 15 केजी दूध वाले, 5-6 केजी पर। ये देखे भाई, एक और पशुधन है जो गवाल का पशुधन देखते हैं, बहुत ही लंबे हाइट की और काफी अच्छी चोटी, थनों का मजबूत साइज देखो भाई। मैंने भाइयों को आते ही बोला था कि दुबली पतली आपको जरूर दिखती होगी अगर, लेकिन दूध की लाइन की बात करें तो अच्छी चुवाई की मिलेगी, ये काफी फुल्लीदार बोलते हैं वो, अच्छी चुवाई की है ना जी। तो जमा किले काट देती, किले काटती है। देखो मैंने और भैंसों के बारे में नहीं बोला, मेरा एक्सपीरियंस आपने देखा होगा जी, जो मैंने बोला सटीक बात पाई, बिल्कुल ठीक बात। और दूध में भी आप चाहे उधर जाके देख लेना, क्योंकि शिकल पे नहीं जाना, ऐसी भैंसों से आप सींग टूटे हुए हैं, शिकल की नहीं, लेकिन ऐसी भैंस से आप ब्रीडिंग अच्छी ले सकते हो, अच्छे बुल का, अच्छा सिमन का प्रयोग करें तो जी, जी। तो ये भी जायज भाव में है या उचित? जायज भाव में, जायज भाव। तो इसका तो बता ही दे हमारे को थोड़ा आइडिया, आप बताओ। आप 1,25,000 की है जी, 1,25,000 रुपए की ली है। कौन से ब्यात की है ये? दूसरा ब्यात है इसका, दूसरे पक्का दूसरा है, दूसरा। तो ये देखें भाई, 1,25,000 का जो पशुधन है वो काफी अच्छा है इन रेटों को देखते हुए, और उम्मीद है भाई काफी अच्छा दूध करेगी, दूध अच्छा करेगी तो भाई 2-4 मुनाफा भी उधर बहुत जी, अच्छा जी। देगी। तो बीच में बात अधूरी रह गई थी, ले जाएं भाई इसको भी, पशुधन जो 1,25,000 रुपए का भाई ने खरीदा है। नीचे क्या है इसके? कट्टी है। तो ये देखो दोस्तों, कई पशु साथियों के फोन आते हैं मेरे द्वारा भी, भाई परवीणाम उधर से है ना ब्यास ली थी और बिल्कुल 16 केजी दूध तोला था, अभी 4 केजी दूध दे रही है। यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, भाइयों ने ये बताया कि 10 दिन तक तो बिल्कुल 4-5 केजी दूध पे आ जाती है। तो उसको फिर धीरे धीरे कैसे उठाते हो? खाती भी कम होगी? खाती भी कम है जी। अच्छा, उसका डाइट प्लान अच्छा करना पड़ता है धीरे धीरे। अच्छा, उसको मेडिसिन देने, मेडिसिन भी देने। तो क्या क्या लीवर टॉनिक पर काम करते हो या कैसे करते हो? लीवर टॉनिक भी देना पड़ता है जी। और भूख के लिए क्या लेते हो? बुखार बुखूर देखते हैं, और बुखार देखते हैं, चेक। तो रस्ते में कौन सा डोज देते हो भाई, वो तकलीफ नहीं रहे, बुखार में नहीं आए, ये नहीं? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो और साथी रस्ते में कोई डोज नहीं देते, और कोई दर्द की दवाई वगैरह ना जी, ना अभी ले चढ़ाते समय बस कुछ नहीं देगा सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये और देखे भाई, नीली नाम भी मतलब गिफ्टाला काम हो गया, दिवाली बन गए तोहफा, तो भी है यार, भाव भी अच्छा लग गया। अच्छा, ओ कई भाई हो जो बोल रहे थे दिवाली का ऑफर है, ऑफर गिफ्ट है। अच्छा, और भाव भी भर दिया, आपने भी गिफ्ट एक आड़ा काम करवा दिया आज।
मानते हो इस चीज जी गिफ्ट है। नीली रावी देखो उसकी भारत में पंजाब राज्य की सबसे पसंदीदा भैंसों में नीली रावी होती है और ये भी नीली रावी है यानी कि टैल भी दिखाते हैं आपको टैल है तो ये वो पछला ब्यांत फौजी साहब है जमा कसम पहले पकार लाइन में ऐसा काम कौन करता अच्छा जमा बार कहीं कसम खाएगा था 22 लीटर दिया है 22 लीटर ब्यांत के 20 दिन रहे या देख लो आने का टाइम बाकी अभी 10-12-15 दिन बाकी भाई चलो 20 केजी तो ब्याने तो पहला तो किमें बता लो वो हरियाणा में एक मन नया काम करा ना जिद वाली बात है वो एक ज... एक काम और फौजी ने बोला सर 70 मनस बैठ जियो बोड़े नहीं की अच्छा राजी नहीं हो भाई तो भाई देखो ले ब्याने तो पहला मेरे भाई कितनी बढ़ाई मार लो वो एक साथी ने बताया बोले भाई तेने 20 केजी दूध बताया था तेने 20 केजी दूध दे के मेरा चेप दी बोले मैं तो बोले भाई तू 22 बता के चेप दे है? तो वो बात हो तो बात अलग है अगर 20 केजी दूध दे दे तो फिर तो कसरे को दे देगी जी बच्चे की कसर क्या होता है अरे किसी कारण तो कम करगी दोर नहीं कर दी नहीं कम कर दी नहीं अगला नु गया वो बोला वापस मोड़ दे नगर पीछे दे कह रहा यूं बोला तेरे पीछे ले जी और वाह भाई वाह अगर देखो भाई इसका मतलब फिर आपने देसी खुट्टे से खरीद दियो ₹1,25,000 की बगैर ब्याई का बहुत खर्चा हो जाता है भाई उधर भी 5-10 हज़ार रुपए खर्च हो जाएंगे ठीक है तो बहुत बढ़िया भाई तो आप और भी है कोई पशुधन जो आपने लिया हाईटेक का ये फायदा है कि दोस्तों आपने ये चिचड़ छोरी देखी होंगी उससे भी पशुधन का जो चिचड़ छोरी पेट के अंदर के कीड़े तो दूध में कितना फर्क पड़ता है हाईटेक से थोड़ा बहुत पड़ता है 2-4 दिन फिर 2-4 दिन दूध कम करती है हाँ उसके बाद क्लियर हो जाती क्लियर हो जाती और खीसे खाली करते हैं कई युवा साथी आपकी बात सुन रहे हैं उनको भी पता चले खीसे खाली कितने दिन में कर देते हो पशु को 3 दिन में 3 दिन 2 दिन में 3 दिन में 2 दिन 3 दिन में और जैसे ब्याते ही भाई क्या क्या खिलाते हैं उसको कुछ नहीं नॉर्मल खाना नॉर्मल खिला तो जो आपसे कोई एक्सपीरियंस लेना चाहे या आपके द्वारा मतलब ये पशुधन खरीदना चाहे तो कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है आपका कुछ भाई का ही दे देंगे सतीश भाई भाई से संपर्क कर लेंगे ठीक है तो भाई की एक बार गाय और दिखा देते हैं भाई दिखा दे भाई दिखा दे या भाई देसी बैड़ की देसी बैड़ी फौज साहब अच्छा कौन से ब्याह होगी यहाँ तीसरा ब्याह में ब्याह होगी तीसरा में हाँ। बहुत बढ़िया तो पहला कितना दूध दिया अच्छी है देख ये लो इतनी शरीफ है पहला ब्याह में दिया थी भाई 6 लीटर दूध 6 लीटर दूध अच्छा दूसरा ब्यांत में दिया 9 लीटर के जो देसी गाय होती है देसी गाय आए 6-7-8 10 लीटर दूध दे देगी कभी तो लाची इस तो के 25,000 ब्याने के बाद पहले ब्याने के बाद तो यहाँ मतलब हो जाए नहीं करके हाँ बच्चा अगला ही खोलनी को नहीं 2 दिन बस अच्छा 2 दिन न्याणा की है हाँ। कोई नहीं था बिन न्याणा की नहीं तो ब्याने के 2 दिन बाद तो दे दोगे फिर मतलब गाड़ी गुड्डे होकर 20-25 दिन रह रहे दिखता क्यों नहीं बढ़िया लोटी लाटी बना अगली वीडियो आएगी तो जाऊंगा बैड़ी ना अच्छा अच्छा ये मौका भाई इतना यू रेट है तो ये इसका मौके... तो यू रहेगा मौका फिर वो भी बैठने के बाद बयान था पहला पहला हाँ बयाने के बाद नहीं बेचेंगे अच्छा कहते बयाने के बाद दूध देना दिखा दी हो जाए तेनों कंधा ना 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 दूध दे दिखा भी सारा सौदा ओपरा करेगी देख भाई ओपरा अपन तो नाराज होने की बात नहीं है ना, 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 भाई कुछ नहीं मतलब दूसरा आदमी ये सोचे भाई बैठने के बाद क्यों नहीं देगा पहले कैसे दे रहा ना ना वो समझ गया बात थोड़ा ओपरापन करेगी ओपरापन किस टाइप का बताओ ओपरापन नहीं है बच्चा तो जुनो मार रहा है ऐसा काम करेगी तो देसी गाय तो सब करती है फिर अपना संतुष्टि करके ले जाएगा आधार कार्ड फिर ले जाएगा ठीक है यानी कि ब्याने के बाद जो साथी भी खरीदना चाहता है तो ब्याने के बाद भी ले सकता है 2 टाइम अपना दूध देखें और गाय ऐसा काम को कर दे भाई वीडियो पे मंगा दिए हुए भाई नंबर पर बातचीत कर सकते हो और जो भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ा है भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जय हिंद जय भारत जय गुरु एक और फौजी साहब कहीं भी अदर स्टेट का कौन सी ऑल इंडिया में कहीं से है जी ग्राहक अपन है ग्राहक तो मतबल है लाख की पहचान लाख पहचान होगी तो नॉर्मल
चक्कर में कोई नहीं आगे भाई। अच्छा अच्छा, यानी कि उस रेट की अभी ब्याज भाई बहुत है, अगर श्याला आएगा और भी तेज हो असल में। तो आपकी बार मंदी आई है नहीं, मंदी आई है नहीं, क्योंकि आपकी बार सीजन काफी महंगा रहा है ब्याशों का भी। ठीक है, जय हिंद जय।